हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दरवाजा खोला, फेंक दिया, सब अंधेरा आई गए, चौंधिया आई गए, अखिया खुली है, नबी नहीं दिख रहे हैं। संजीदगी से सुनना, नबी काफिरों को दिखाई नहीं पड़ते। कंकरी मारा, बीस काफी इधर, बीस इधर, बीच में जगह बनाए थे तलवार चलाने के लिए, जैसे निकले मारो। सरकार उनकी आंखों के सामने से गुजर गए, काफिर ने जाना नहीं देखा, काफिरों ने जाना नहीं जाना, हकीकतन जा रहे हैं, काफिरों को नजर नहीं आई। तो नबी का आना जाना काफिरों को दिखाई नहीं दे। क्या बात है, क्या बात है। अब अगर कोई कहे तुम लोग यार बड़े बड़े उर्स करते हो, गौसे आजम का करते हो, सुल्तानुल आरिफीन भाई यजीद गुस्सामी का करते हो, कुतुबुल मदार सरकार मकनपुर उर्स करते हो, महबूब इलाही का करते हो, महबूब शबनानी का करते हो, मीलाद शरीफ की महफिल कभी दिखाई तो नहीं पड़ते रसूल, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को लिटाया। अब जब काफिर अंदर घुसे, हिम्मत करके तो बड़े खुश हुए, बिस्तर में नबी लेटा हुआ है, पहचान नहीं पाए कि अली लेटा हुआ। इसी पर तवज्जो चाहूंगा, मौला अली आप कैसा लेटे थे कि लेटे हैं अली और लग रहा है लेटा है नबी। अली का चेहरा, अली का कद्दोकामत काफिरों की पहचान में था। मक्के में पैदा हुए अली, बचपन गुजरा अली मुर्तजा का मक्के में, काफिर उनको साइड से देख ले तो पहचान, लेकिन जब चादर ओढ़कर लेट गए, चादर तो उन्हें लगा कि नबी लेटा हुआ। जब चादर हटाया, चेहरे मुर्तजा देखा, तब वो समझे ना ना नबी नहीं अली लेटे। जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा, परतवे रसूल हो तो ऐसा कि लेटा है अली और लगने लगा लेटा है नबी। जब काफिर पहचान न पाए, मोहल्ले वाले नहीं पहचान पाए, तो अंदाजा लगाओ कि शुरू से अली कैसे हैं, कि मिलते हैं अली मिल जाता है नबी, दिखते हैं अली दिख जाता है नबी। अब इस वाकये का दूसरा चैप्टर, अपने घर से निकलकर सिद्दीक अकबर के घर गए, उनको लेकर के हिजरत के रास्ते को इख्तियार फरमाया, अमानत के लिए अली को चुन लिया, रफाकत के लिए सिद्दीक। इस हिजरत ने बताया दोनों से जुड़े रहना, दोनों को नबी ने चुना है, अमानत के लिए अली पर भरोसा रखना, हिफाजत के लिए सिद्दीक पे भरोसा रखना। गारे सौर में पहुंच गए, गारे सौर में पहुंच गए, मकड़ी ने जाला तन दिया, कबूतरी ने अंडा दे दिया, वो अलग बात है। पीछा करते करते
कुफार ढूंढ रहे हैं। जैसे ही गारे सौर के सामने दोनों पहुंचे तो सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रुक जाइए, पहले मैं अंदर जाऊंगा, कोई सांप बिच्छू खतरनाक कीड़ा मकोड़ा पहले मैं उससे निपटूंगा, गंदगी रबिश धूल गुबार मैं साफ करूंगा। तो सिद्दीक अकबर गार में पहले गए। आजकल के मुरीद का हाल ये है, जो मेरे घर में मशहूर है कि मेरे पर नाना आला हजरत हम सभी है गौसे आजम सैयद अली हुसैन दिल्ली में गए, तो उनके एक मुरीद ने उनका कयाम अपने खाली घर में, वो खाली घर उसमें कराया, उसी में रखा अपने पीर साहब, और वो घर जिन्नातों से भरा हुआ, पीर साहब को अंदर कर दिया, जो हो इनका मैं सेफ रहूं। फजर में की नमाज के बाद जब मुरीद गया कि बचे हैं पीर साहब की नहीं, उन्हें बुलाया, बेटा पहले बता देते तो मैं उस जहन के साथ अंदर जाता, उन्हें जाने के बाद पता चला। ऐसा क्यों किया था हुजूर, मैंने कई बुजुर्गों को यहाँ ठहराया और सुबह कब्रस्तान ले गया, तो मैंने सोचा कि आप अल्लाह वाले हैं या तो वो रहेंगे या आप बच जाएंगे तो घर मेरा मिल जाएगा, मुझे खाली साफ सुथरा। आज ये हाल, लेकिन वो जमाना और था, जो मुसीबत आए वो अबू बकर सिद्दीक पर आए, मेरे रसूल पर ना। सिद्दीक अकबर अंदर गए, जितने सुराख खतरनाक हो सकते थे सबको बंद किया, कपड़ा फाड़ फाड़ के बंद किया, गंदगी निकाली, रबिश निकाली, कचरा बाहर किया, एक सुराख बचा, कपड़ा खत्म हो गया तो अपना पैर लगा दिया, जो अजियत हो वो मुरीद को हो मेरी मुराद को ना, सिद्दीक को हो नबी को ना। और जब वो साफ सुथरा हो गया तो अंदर ही अंदर से बोले, या रसूल अल्लाह चले आइए, गार साफ हो गया है। और हुजूर अंदर चले गए। यहां मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, एक मामूली से गार में तवज्जो, एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएगा। सब मदीने पहुंच गए, मदीने मुनव्वरा में पहुंचे, ये और बात है कि खैबर के 12 दरवाजों में 11 दरवाजों को दूसरे सहाबा ने पता कर लिया, मगर जो मजबूत तरीन दरवाजा था जिसे हिलाना मुमकिन नहीं था, उसे अपनी उंगलियों पे नचा देने की ताकत सिर्फ शेरे खुदा अली मुर्तजा में थी, और पेशीन गोई पहले कर दी मेरे नबी ने, कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जो खैबर के दरवाजे का फाते हो। जबकि अली मुर्तजा ने मारूजा पेश किया, या रसूल अल्लाह मेरी मुझे आशोब चश्म
मेरी आंखें दुख रही हैं, मैं ये फरीजा कैसे अंजाम दे सकता हूँ। रसूल पाक ने अपना लुआबे दहन अली मुर्तजा की आंखों पे लगा दिया, गोया फत की सनद लुआबे दहने रसूल। फिर जो ये शेरे खुदा खैबर के दरवाजे पर पहुंचा, तलवार खींची, बाहर के कुफार और मुशरिकीन को गाजर मूली की तरह काटता रहा। हैदर कर्रार का तन्हा बाजू अपने ज़ुल्फ़िकार की धमक से काफिरों के हौसले को तोड़ता रहा। कुफ्र की कुव्वत और तवानाई को मिट्टी में मिलाता रहा। और जब ये शिकस्त खुर्दा लोग खैबर के दरवाजे का घमंड लिए बैठे थे, अंदर तक कोई जा नहीं सकता, तो मौला अली का एक हाथ जिसे हाथी तोड़ ना सके, जिसे तोप गिरा ना सके, अली का एक हाथ उसे उठाकर हवा में ऐसा लहरा दिया जैसे यहाँ दबाबे खैबर था ही नहीं। और फतह परचम कर लहराता हुआ लहराते हुए सरकार को मुज़दे फतह। ये वाकया कौन नहीं जानता।